जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? दोस्तों आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी को अपने YouTube चैनल स्पीड क्लासेस बाय पंकज सर पर स्वागत करता हूं। कल की वीडियो आप लोग अवश्य देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप जाकर उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, ठीक है। और मैंने कल के वीडियो में पढ़ाया था 2018 में ग्रुप डी में जितने सारे क्वेश्चन अराइज किए हैं, पूछे गए हैं, इन सबका क्वेश्चन का उसमें सोल्यूशन करा है, ठीक है। और इस वीडियो में भी 2018 में जितने सारे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका भी सोल्यूशन इस वीडियो में चलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपके पास सारा वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन कर रहा था ये क्वेश्चन मिसलेनियस है। दोस्तों जो भी मैं मैथ का क्वेश्चन पढ़ाऊंगा एकदम सरल तरीके से पढ़ाऊंगा, कितना भी क्वेश्चन हार्ड हो उस हार्ड को हमने क्या करेंगे, इजी करेंगे। टीचर वही होता है जो हार्ड चीज को क्या कर देता है, इजी कर देता है, ठीक है। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा एकदम बेसिक से जीरो लेवल से बताऊंगा, तोड़ तोड़ कर बताने वाला हूँ, ये नहीं कि उड़ा कर बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए, वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा था कि दो भाई की आयु का अनुपात 5:8 है और उनकी आयु में अंतर 12 वर्ष है, तो उनकी आयु ज्ञात करें। दोस्तों इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम दो तरह से बनाएंगे। क्वेश्चन कह रहा था यहाँ से पहला नंबर कि दो भाई हैं, ठीक है, ये है ब्रदर वन और अनुपात ब्रदर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा था कि दो भाइयों का अनुपात एक का 5 दिया है और दूसरे का कितना दिया है, 8 दिया है। दोस्तों ये अनुपात में है तो हम लोग क्या मान लेंगे, 5x एक भाई की आयु, दूसरे भाई की आयु कितना, 8x, ठीक है। अब देखिएगा यहां से कि दो भाइयों का अंतर दिया है ना, इसका मतलब कि जब दो का अंतर दिया है तो यहां से घटाएंगे, 8x में से 5x घट जाएगा तो कितना x बचेगा, 3x बचेगा। और यही अंतर ना हुआ तो यहाँ अंतर कितना दिया था, 12 दिया था, यहां से काट दीजिएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4। क्वेश्चन यहाँ पे x की वैल्यू जो हुआ वो क्या हुआ, 4 हुआ। लास्ट में क्वेश्चन कह रहा था कि इनकी आयु ज्ञात करें, मतलब दोनों की आयु ज्ञात करना है, तो x बराबर 4, तो यहाँ x की मान पुट कीजिएगा तो 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। और यहाँ से ज्ञात कीजिएगा x बराबर 4 तो 8 का कितना, 32। तो दो भाइयों की आयु कितना हो जाएगा, एक का 20 हो जाएगा और दूसरा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान मेथड से बताया। इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे नियम से कैसे बनाएंगे, b1 है, ये है b2, मतलब पहला भाई दूसरा भाई, यहाँ पे 5:8 कितना, 8। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना एक बार x को बनाया है और एक बार रेशियो को बनाया है, तो यहाँ से अंतर कितना दिया है भाई, अंतर 12 दिया है, इसका मतलब अंतर यहाँ भी करेंगे क्योंकि अंतर बराबर क्या होता है, अंतर होता है। तो 8 में से 5 के कितना, 3, और 3 बराबर यही ना 3 का अंतर है, यही 3 रेशियो का अंतर बराबर कितना वर्ष का अंतर, 12 वर्ष का अंतर। तो यहाँ से काटिएगा तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो दोस्तों कह रहा था कि दोनों भाइयों का आयु बताइए, तो 5 × 4 पंचों का कितना हो जाएगा, 20, और 8 × 4 अड़चों का कितना हो जाएगा, 32। दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ज्यादा ब्रेन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कंसेप्ट चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या होता है कि एक बार जो क्वेश्चन आप बना लीजिए उस चीज को आप माइंड में बैठा लीजिए कि इस तरह के जितने सारे क्वेश्चन आएंगे हम हल कर देंगे। ये नहीं, आप छोटे बच्चे नहीं है कि एक क्वेश्चन को बनाए या दूसरे क्वेश्चन को टीचर से लगे पूछ ले, नहीं, आपका उम्र हो गया शादी विवाह करने वाला, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि आप लोग के गाइडलाइंस कौन करेगा, खुद का गाइडलाइंस आप खुद ही हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि जे और के की वर्तमान आयु का अनुपात 11:6 है, 5 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात 12:7 हो जाएगा, तो लास्ट में कह रहा था कि के की वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा था कि एक जे है या दूसरा के है, तो हमने दो तरह से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि एगो जे है और दूसरा क्या है, के है, यही तो व्यक्ति है ना, तो हमने दोनों को ऊपर नीचे नाम लिख दिया। क्वेश्चन कह रहा था कि जे का अनुपात 11 है और के का अनुपात 6 है। दोस्तों जब भी अनुपात में आएगा ना तो इसको जे को ऊपर रखेंगे और के को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। दोस्तों अनुपात का मतलब कि कोई भी बड़ा नंबर होगा, कोई भी बड़ा एज होगा, उसको काट दिए तब ना रेशियो गया है। तो बताइए ये 11 है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 11x, ये कितना हो जाएगा, 6x। क्वेश्चन आगे करें कि 5 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद, तो दोनों में 5 वर्ष पश्चात, तो यहाँ भी 5 जोड़े गए क्योंकि बाद जाने के लिए जोड़ते हैं और पहले आने के लिए घटाते हैं।
कह रहा था कि 5 वर्ष बाद, तो ये भी बात ये भी बात, आगे कह रहा कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 12:7 हो जाता है। तो ये सब 5 वर्ष बाद कैलकुलेशन करने के बाद कितना होता है, 12:7 हो जाता है। इसका मतलब कि 12 जो हुआ ये जे का हुआ और 7 किसका हुआ, के का हुआ। ठीक है, अब ध्यान से देखना है हमको निकालना क्या है, के का मान निकालना है, मतलब के कितना वर्ष का है। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, ब्रज गुणनखंड कहते हैं, 9th क्लास में आप लोग तो पढ़े हैं। यहां से 11 से गुना कीजिएगा तो 11 गुना 7 कितना होता है, 1177 और प्लस 7 5 कितना होता है, 35। ठीक है, ये मैं बेसिक से बता रहा हूँ। यहां से 12 6 कितना होता है, 72 एक्स और प्लस 12 5 कितना होता है, 60। ठीक है, ये 72 एक्स को और 77 एक्स को एक जगह रखते, क्योंकि एक्स एक्स एक जगह आएगा चरम, तो यहाँ पे 72 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, क्योंकि 77 में से 72 गया 5 5 और ये x तो लेती है। ठीक है, ये 35 है ना, उधर जाके क्या करेगा, माइनस कर देगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। ठीक है, यहाँ 10 मिले 5 गया 5 और ये होगा 5 5 में 3 गया 2, यहाँ से काट दीजिएगा 5 से, तो x बराबर x की वैल्यू कितना आया, 5 5 25, आपका x की वैल्यू 5 आया। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, k कितना वर्ष का है, तो हमने शुरू में k कितना माना था, अरे भाई 6 था, तो हम लोग एक्स लगाए तो उसका एज कितना, 6x। तो अब बताइएगा कि 6 में कितना से गुना करना पड़े, एक्स वैल्यू 5 से, तो 5 सका कितना हो जाएगा, 30। तो के की वैल्यू कितना हो जाएगा, के कितना वर्ष का हो जाएगा, आपका 30 वर्ष का होगा। उसी प्रकार से आपका अगर जे का पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, 11 में 5 से गुना करते, 11 5 55 हो जाता। ठीक है, ये है बेसिक पैटर्न। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इससे भी शॉर्ट कैसे बना देते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो हम लोग शॉर्ट कैसे बना देंगे, यही सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा था, एक जे है और एक के है रेशियो मीटर से। ठीक है, यही रेशियो मीटर, आगे कह रहा था कि एक का उम्र 11 और दूसरा का उम्र 6, लास्ट कह रहा था देखिए है ना, तो है के बाद हम लोग लाइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ध्यान से देखते हैं। ठीक है, आगे कह रहा कि 5 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात 12:7 हो जाता है, तो 12:7 ये जो 7 हो रहा है ये कब हो रहा है, 5 वर्ष बाद। तो दोस्तों ये जो रेशियो है आज का नहीं है, ये रेशियो 5 साल बाद का है, तो इस कैसे पता चलेगा 5 साल बाद, तो यहाँ पे प्लस रख दिए, क्योंकि आपको पिछले वाले मेथड में बताए थे कि बाद जाना है तो जोड़िएगा, कम पीछे आना है तो घटाइएगा, तो ये 5 साल बाद ये रेशियो कितना, 12:7। ठीक है, अब ध्यान से हो गया, इस रेशियो के आगे ना प्लस है ना माइनस है, इसका मतलब वर्तमान में है। ठीक है, अब देखना है कि पहले जे का रेशियो 11 था, आज कितना हो गया, 5 साल बाद 12 हो गया, पहले के का रेशियो 6 था, आज 5 साल बाद कितना हो गया, 7 हो गया। कितना रेशियो बढ़ता है, जब भी रेशियो बढ़ना चाहिए तो बराबर बढ़ना चाहिए, और जब भी रेशियो घटना चाहिए तो बराबर घटना चाहिए, यही आपका एज का ये रेशियो मेथड का नियम है। तो देखिए यहां से कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, ये भी कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, इसका मतलब कि ये बैलेंस है, ठीक बढ़ रहा है। ठीक है, तो कितना रेशियो दोनों बढ़ रहा है, 1 रेशियो बढ़ रहा है। दोस्तों ये 5 वर्ष बढ़ गया, इसका मतलब कि ये 1 रेशियो बढ़ा, तब ना 5 वर्ष बढ़ा है, तो 1 रेशियो किसके वजह से बढ़ा है, ये 5 वर्ष की वजह है, तो ये 5, तो 1 बराबर 5, क्या ये कटेगा, नहीं ना। तो क्वेश्चन लास्ट में कह रहा था कि के की वर्तमान आयु बताइए, तो के की वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब कि जो रेशियो आज का हो, ठीक है, न उसमें प्लस हो न उसमें माइनस हो, तो के का वर्तमान आयु, तो 1 बराबर 5 और के की वैल्यू कितना है, 6 है ना, तो 1 में 5 तो 6 गुना 5 6 5 कितना वर्ष का के हो जाएगा, 30 वर्ष का। दोस्तों अगर इसको एक बार दो बार वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही सरल तरीका से बन जाएगा, देखिए कितना शॉर्ट बनाए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा था कि एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था, तो वाई की वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन क्या है, पिछले जैसा है, क्योंकि एक ही जगह चेंज हुआ है, कहां पे, उसमें बात कर रहा था और इसमें क्या कर रहा है, पहले कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था कि दो व्यक्ति हैं, कौन कौन है भाई, ये वो एक्स है और बटा क्या है, वाई है, इसको भी उसी तरह से बेसिक क्लास से बना रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था कि दो व्यक्ति का अनुपात कितना है, ये वो 3 है और दूसरा क्या है, 4 है। दोस्तों जब भी रेशियो रहेगा तो कुछ ना कुछ इसमें कटा होगा, तो हम लोग एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 4x। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 5 साल पहले, तो पहले जानने के लिए क्या करेंगे, दोनों में माइनस कर देंगे, तो यहाँ 5 साल पहले चाहिए, माइनस इसमें भी और माइनस इसमें भी, जैसे ही इसका कैलकुलेशन किए तो कह रहे थे इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता था, तो 5:7, तो 5 जो हो जाता था एक्स के और 7 जो हो जाता था वाई का हो जाता था। ठीक है,
लास्ट में कह रहा था कि वाई की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है, हमको किसको निकालना है, वाई की वर्तमान आयु। तो अभी हमने बताया पिछले क्वेश्चन में ब्रज गुणनखंड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 7 × 3 = 70 का कितना हो जाएगा 21x, माइनस 7 × 5 कितना हो जाएगा 35, बराबर 5 × 4 का कितना हो जाएगा 20x, माइनस 5 × 5 = 25 है, ठीक है 25। अब बताइएगा ये 20x जो ये 20 है, 20x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 21 में से 20 गया कितना, 80 बचेगा, और ये माइनस में है तो उधर जाके क्या करेगा, प्लस करेगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, माइनस जो होता है प्लस हो जाएगा, तो 35 प्लस हो गया और माइनस 25 25 ही रह गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो इसमें से इसको घटा दीजिए क्योंकि एक ही चर तो है नहीं, प्लस प्लस रहता तो जोड़ते, माइनस में जोड़ देते, ये प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा 25 / 35 कितना हो जाएगा 10, और किसका सिंबल बड़ा है प्लस का, क्योंकि 35 बड़ा है ना तो प्लस रहेगा, तो x वैल्यू कितना 10। तो लास्ट में क्वेश्चन कर रहा था कि y की वर्तमान आयु, तो y क्या माने है 4x माने है ना, तो x की वैल्यू 10, तो 10 × 4 का कितना हो जाएगा 40। दोस्तों ये बेसिक है, अब हम लोग दूसरे मेथड से बनाएंगे एकदम शॉर्ट, नहीं x और नहीं y, क्योंकि कंपटीशन है हाई, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा था कि दो भाई है, एक x है और दूसरा y है, तो हमने लिख दिया थर्ड नंबर क्वेश्चन में कि एगो x है और रेशियो क्या है y है, अब रेशियो से बन रहा है। आगे कह रहा था कि इनका रेशियो कितना 3:4 है, दोस्तों है के बाद हम लोग लाइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। आगे कह रहा है कि 5 साल पहले इनकी रेशियो कितना था, 5 था एगो का एगो के साथ साथ, ये भाई 5 और 7 कब था, ये 5 साल पहले था ना, तो इस रेशियो के आगे 5 साल पहले लगा दिया, पता चल गया दूसरों को देख, जो भी देखेगा वो कहेगा कि नहीं भाई ये रेशियो 5 साल पहले का है, ये रेशियो के आगे प्लस ना है ना माइनस है, इसका मतलब वर्तमान में है। आगे कह रहा था कि y की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है y की वर्तमान आयु निकालना है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अभी आपको बताए हैं कि जब भी रेशियो घटेगा तो सेम घटेगा और बढ़ेगा तो सेम, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, 3 से कितना हो रहा है 5, कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया, ये 4 से कितना हो रहा है 7, कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया, क्या आपको इसमें 2 बढ़ रहा है इसमें 3 बढ़ रहा है, क्या सही है नहीं है, तो इसको सही कर पहले करेंगे। जब भी एज में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन बनाइएगा तो दोस्तों आपको बैलेंस करना पड़ेगा, बराबर घटना चाहिए बराबर बढ़ना चाहिए। तो अब लोग हम बराबर कैसे कर देंगे, ठीक है, यहाँ नीचे से घटाइए 12 में से छोटा था, 7 में से 5 गया तो 2 को ऊपर कर देंगे, और यहाँ से माइनस कीजिए 4 में से 3 गया 1, तो यहाँ पे 1 कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से कि 3 × 2 का कितना हो जाएगा 6 रेशियो बन गया, 4 × 2 का कितना हो गया 8, और इसमें गुना करेंगे तो वही हो जाएगा 5:7, ठीक है। अब ये रेशियो पुराना हो गया, नया रेशियो यहाँ से तैयार हो गया, ठीक है। अब देखिए तो बराबर बढ़ा है या घटा है, देखिए घट गया 1 और यहाँ भी 1, इसका मतलब कि रेशियो 1 घटा है, क्यों, क्योंकि एजवा घट गया है, और रेशियो जब 1 बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा, तो ठीक है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5, तो क्वेश्चन क्या कर रहा था कि y की वर्तमान आयु, तो 8 × 5 कितना हो जाएगा 40 वर्ष, पिछले वाले मेथड में भी 40 वर्ष आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना है, कह रहा है कि मीना तथा सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है, 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो सीमा की वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों ध्यान से देखना है क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ अलग है, क्वेश्चन कह रहा था फोर्थ नंबर कि एक मीना है और एक, क्वेश्चन कह रहा था कि मीना जो है ना यहाँ पे एक मीना है और एक यहाँ पे सीमा है, ठीक है। तो मीना और सीमा की आयु का अनुपात दिया है कितना 4:3 दिया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 6 वर्ष बाद दोनों नहीं, यहाँ पे जिक्र किया 6 वर्ष बाद मीना की आयु जो है ना वो 26 वर्ष हो जाएगी, कब, आज नहीं 6 वर्ष बाद। दोस्तों मीना की आयु यहाँ पे दे रहा है कि मीना की आयु कितना साल बाद, 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगी 26 वर्ष। दोस्तों ध्यान से देखना है कि जब का रेशियो रहेगा तो मीना का रेशियो क्या, मीना के रेशियो का प्लस माइनस है, नहीं है, इसका मतलब कि मीना का रेशियो आज का है ना, जब मीना के रेशियो आज का है तो मीना का उम्र भी कितना होना चाहिए, आज की होना चाहिए क्या 6 वर्ष बाद, क्योंकि आज बराबर आज, वर्तमान बराबर वर्तमान। तो दोस्तों जब भी बनाएंगे क्वेश्चन इस क्वेश्चन को तो हम लोग देखेंगे मीना का रेशियो, मीना का रेशियो वर्तमान में है तो मीना का उम्र भी क्या होना चाहिए, वर्तमान, ठीक है। तो लेकिन मीना का उम्र कितना है 6 वर्ष आगे बढ़ गया है, तो 6 वर्ष क्या करेंगे, पीछे आएंगे तो वर्तमान में हो जाएगा, तो जो आगे बढ़ गया है उसको क्या करना है, घटा देना है। तो मीना अभी कितना वर्ष की है, 20 वर्ष की है। दोस्तों जब मीना 20 वर्ष की है तो मीना को एज रेशियो कितना है 4, तो हम कह सकते हैं कि आज 4 रेशियो में है, 20 वर्ष दोनों आपस में बराबर है, तो यहां से बराबर कर दे 4 = कितना 20, तो 1 = कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन लास्ट में कह रहा था कि सीमा की वर्तमान आयु बताइए, तो सीमा की वर्तमान आयु निकाल दीजिए 1 = 5, तो 5 × 3 = 15 वर्ष, तो सीमा कितना वर्ष की हो जाएगी 15 वर्ष की हो जाएगी, ठीक है। ये है रेशियो मेथड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन, ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा, तो इसकी वर्तमान आयु क्या है? दोस्तों इसमें क्या दिया है, एक पहले रेशियो दे दिया है और आगे करें कि 10 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का क्या है, योग। अब तो रेशियो नहीं ना दिया है, अब आइए इसको भी रेशियो मेथड से बताते हैं। क्वेश्चन कह रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि एगो ए है और दूसरा क्या है, बी है, ठीक है। आगे कह रहा था इनका रेशियो कितना, 3:2 दिया है, ठीक। आगे कह रहा था कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, आयु का योग तो मतलब दोनों को जोड़ करने बताया 10 वर्ष बाद, तो कह रहा था कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का योग था, एक किसका किसका, दोनों की ए प्लस बी की आयु का योग बताया है, ये योग है, और कितना दिया है आपका, 80 वर्ष दिया है। दोस्तों अब बताइएगा, पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है कि रेशियो के अनुसार ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, जब का रेशियो रहेगा तब का उम्र को घटाएंगे और बढ़ाएंगे। तो दोस्तों रेशियो दोनों का कब का है, तो आगे प्लस ना माइनस है, रेशियो वर्तमान में है, जब रेशियो वर्तमान में है तो योग भी क्या होगा, वर्तमान में ही होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान बराबर वर्तमान, लेकिन योग कब का है, 10 साल आगे ना बढ़ गया है, तो दोनों का भाई आगे बढ़ा है, तो 10 इसका भी घटाएंगे, पीछे आएंगे वर्तमान में, और 10 इसका भी घटाएंगे, तो 10 और 10 कितना घटाना पड़ेगा, 20। अब ये सही हुआ, वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना, 60। अब दोनों की वर्तमान में 60 योग और दोनों की वर्तमान में रेशियो का योग कितना, क्योंकि यही जोड़ने के बाद 60 आया है, तो 3 और 2 कितना, 5, और 5 बराबर कितना हो जाएगा, 60, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन कह रहा था कि उनकी वर्तमान आयु कितनी है दोनों की, तो 1 बराबर 12, तो 12 कितना, 36, तो ए की आयु 36 और बी की आयु 12, दोनों कितना हो जाएगा, 24, तो 1 36 और 1 24, ठीक है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं कितना आपको सरल तरीका से क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन को देखने के लिए और इसी तरह से मेथड को समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे वीडियो को अपलोड कर देता हूं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा था कि एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा, तो वाई की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पिछले जैसे क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, इसको भी पहले बेसिक बताएंगे, इसके बाद रेशियो मेथड से बताएंगे। क्वेश्चन कह रहा था कि एगो एक्स है और दूसरा क्या है, वाई है, ऐसे लिख दिए। क्वेश्चन आगे कह रहा था कि इनका रेशियो दिया है, एगो के 5 दिया है और दूसरा का कितना दिया है, 4। आगे कह रहा था कि एक्स अब से 3 वर्ष बाद, भाई बाद कह रहा है तो हम लोग प्लस करेंगे और पहले करेगा तो माइनस करेंगे, तो कह रहा था कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद, अब ये नहीं कह रहा है कि 3 वर्ष बाद सिर्फ एक्स और सिर्फ वाई, नहीं, करेक्ट, 3 वर्ष बाद, समझ गए हम कि 3 वर्ष बाद का मतलब दोनों, और जैसे ही इसको कैलकुलेशन किए ना, इनका रेशियो आ गया 11:9। दोस्तों फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 9 × 5 = 45, एक्स प्लस 9 × 3 कितना, 27, और 11 × 4 कितना, 44, एक्स प्लस 11 × 3 कितना, 23, ठीक है। ये 45 इस 44 को इधर लाएगा तो क्या हो जाएगा, 45x में से 44x घटेगा तो सिर्फ x बचा, और ये माइनस है तो उधर जाके क्या करेगा, सॉरी ये प्लस है तो जाके उधर क्या करेगा, माइनस, तो ध्यान से देखिएगा 13 में से 7 ये कितना, 6, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 6 हो जाएगा। तो लास्ट में क्वेश्चन कर रहा था कि y की वर्तमान आयु क्या है, तो y का हम क्या माने हैं, 4x माने हैं वर्तमान में, तो कितना हो जाएगा, 6 × 4 = 24 वर्ष, y जो है कितना वर्ष का हो जाएगा, 24 वर्ष का। यही पूछता कि x कितना वर्ष का हो जाएगा, तो ये 6 से 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30 होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं रेशियो मेथड से कैसे बनाऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, रेशियो मेथड उसको कहते हैं जिसमें x और y की गणना न हो, ठीक है, और आपको एक लाइन में क्वेश्चन बन जाए। क्वेश्चन कह रहा था कि दो व्यक्ति हैं x और y, ठीक है, तो हमने x और रेशियो y, ठीक है। आगे कह रहा है कि इनका रेशियो कितना, 5:4 दिया हुआ है। आगे कह रहा था कि हाई के बाद हम लोग लाइन को चेंज करेंगे, 3 वर्ष अब से 3 वर्ष बाद इनका रेशियो कितना, 11:9 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। ये रेशियो कब का है, 3 वर्ष बाद 11:9 हो जाता है। दोस्तों ध्यान से समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, और ऐसा क्वेश्चन कितने प्रकार से होते हैं, ठीक है, ध्यान से रखिएगा। यहाँ पे देखना है, अब तो लिख दिए, ये बताइए 5 से 11 हुआ तो कितना बड़ा है, 6 बड़ा है, ये कितना बड़ा है, 5 बड़ा है, क्या बैलेंस है, नहीं ना, इसको बैलेंस करना होगा, क्योंकि बढ़ाना है तो सेम बढ़ाना है, घटाना है तो सेम घटाना है, तो इसको बैलेंस करना आप लोगों को पिछला मैथ में सिखाया है, तो यहाँ से घटाइए, 11 में से 9 गए कितना,
दो ऊपर गुना करेंगे, पांच में से चार गया एक, तो एक को मतलब ऊपर घटाकर नीचे गुना, नीचे से घटाकर ऊपर गुना करेंगे, पांच दूनी का कितना हो जाएगा दस, ये हो जाएगा कितना चार दूनी का आठ, और ये तो एक से गुना कीजिएगा तो वही हो जाएगा, ठीक है। अब बताइएगा ये तीन तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये वाला पुराना हो गया और ये वाला नया, क्योंकि नया के हिसाब से चलते हैं, ये कितना बड़ा एक बड़ा, ये भी कितना बड़ा एक बड़ा, अब रेशियो बढ़ा एक सेम बढ़ा, और कितने की वजह से बढ़ा है क्योंकि रेशियो बढ़ेगा तो एज भी बढ़ेगा, बढ़ गया ना, तो रेशियो एक बड़ा और उम्र कितना तीन बड़ा। लास्ट में क्वेश्चन कर रहा था कि वाई की वर्तमान आयु, तो दोस्तों वाई का रेशियो नीचे भी है ऊपर भी है, लेकिन नीचे वाला वर्तमान में नहीं है, तीन साल बाद का है, वो ऊपर वाला रेशियो वर्तमान में है, तो दोस्तों वर्तमान में पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, ये एक बराबर तीन तो आठ गुना तीन, आठ के कितना हो जाएगा 24 वर्ष, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन कह रहा था कि यदि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात बताइए। दोस्तों अनुपात बताना है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है 2018 का ग्रुप टी में। क्वेश्चन कह रहा था कि एक P है और दूसरा क्या है Q है। क्वेश्चन कह रहा है कि P जो है ना वर्तमान का मतलब आज, नहीं इसमें प्लस है और नहीं इसमें माइनस, क्योंकि वर्तमान है तो वर्तमान में अभी इनका कितना उम्र है 15 उम्र है, और कह रहा था कि 6 वर्ष के बाद क्यू की आयु कितना हो जाएगी। दोस्तों 6 वर्ष के बाद ना, दोस्तों 6 वर्ष के बाद पी की उम्र कितना हो जा रही है, तो उम्र 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगी पी की 26 वर्ष। तो दोस्तों बताइए कभी ये आपस में बराबर होगा, नहीं ना होगा, क्योंकि इसका उम्र वर्तमान में 15 और इसका उम्र वर्तमान में नहीं 6 वर्ष प्लस आगे बढ़ गया है, तो वर्तमान में आने के लिए 6 जो बढ़ा है प्लस हुआ है उसको माइनस करेंगे, तो इसमें 6 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। अब कह सकते हैं कि क्यू आज वर्तमान में कितना हो जाएगा 20, क्यों 6 घटाएं, क्योंकि 6 प्लस आगे बढ़ गया था तो वर्तमान में आने के लिए वही जितना बढ़ा है उसको घटाना पड़ेगा, तो वर्तमान में कितना उम्र हो गया 20 वर्ष। दोस्तों कह रहा था कि इसका रेशियो बता दीजिए, मतलब अनुपात बता दीजिए। जब भी अनुपात बनाते हैं, जब भी अनुपात लिखते हैं, तो इसको इतना छोटा से छोटा काट कर देते हैं कि अब उसका वैल्यू कुछ ना हो जाए। तो यहाँ से 5 काटिए, दोनों 5 से कटेगा, 5 3 का 15, 5 कटेगा 5 का 20, क्या ये कटेगा किसी संख्या से, नहीं ना। तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, पी का 3 हो जाएगा और क्यू का 4, तो 3:4 रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों शेयर भी करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं भी वीडियो मेहनत कर बना रहा हूँ और आप तक के लिए बेस्ट बेस्ट क्वालिटी और मेथड बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग बने रहिए, और कल मिलेंगे 9 बजे।